बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर कोरोना संक्रमण अब सियासी हो चला है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। पिछले दो दिनों से कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार को घेर रहे अजय चंद्राकर ने एक बार फिर से कांग्रेस को खुला चैलेंज दिया। अजय चंद्राकर ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए हैं और सवाल भी पूछा है और कई सारी अव्यवस्थाएं सरकार की नाकामियां भी गिनाई हैं। उन्होंने ट्वीट करके खुला चैलेंज दिया है। वो लिखते हैं कि संघीय व्यवस्था में विपरीत हालातों में केंद्र राज्य को मदद करता है। केंद्र की मदद को लेकर कांग्रेस के मंत्री प्रवक्ता खुली बहस कर सकते हैं। क्वारंटीन सेंटर्स में किस मद में राशि का उपयोग किया गया, ये सवाल उन्होंने सरकार से पूछा है। क्वारंटीन सेंटर्स में सुविधाओं के लिए कितनी राशि खर्च की गई, ये भी सवाल पूछा है। स्वास्थ्य विभाग ने कितने रिक्त पदों को भरने की अनुमति दी है, ये उनका एक और सवाल है। शराब दुकानें खोलने का फैसला कोरोना के लिए कितना जिम्मेदार, ये भी एक सवाल। कोरोना वॉरियर्स को इंसेंटिव राशि कितनी दी, ये भी सवाल। सीएम केयर फंड से कोरोना के लिए कितनी राशि दी गई, ये भी एक सवाल है। वही एक सवाल और ये भी है कि छत्तीसगढ़ आपदा मोचन निधि के अतिरिक्त बजट से कितनी राशि दी गई है। तो कुछ सवाल पूछे हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार से खुला चैलेंज भी दिया है कि केंद्र जो मदद करता है राज्य सरकार को, उस पर हम बहस कर सकते हैं, प्रवक्ता हो या कोई भी मंत्री हो। और अजय चंद्राकर ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि कांग्रेस के काल्पनिक कोरोना योद्धा इसका सीधा उत्तर दें। चंद्राकर ने अपने ट्वीट को भूपेश बघेल, सीएम भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रभारी पीएल पुनिया को टैग भी किया है, यानी इन सबसे सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए, फिलहाल हमारे साथ खुद पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय चंद्राकर जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज़ पर। जी जी, नमस्कार जी। अजय चंद्राकर जी, विपक्ष का काम ही होता है सवाल पूछना, लेकिन तथ्यों के आधार पर सवाल पूछे जाएं तो वो अच्छा रहता है। क्या कुछ और सवाल है आपके, क्या कुछ मांग है सरकार से आपकी, राज्य सरकार से? देखिए, मैं जिन बातों को उठाता हूं जी, चाहे क्वारंटाइन सेंटर का खर्च हो, चाहे कोरोना के लिए खर्च हो, या सरकार ने किन संस्थाओं को कितना पैसा दिया, राज्य शासन की बात करता हूं मैं हमेशा। जी जी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में भर्ती का मामला हो, तो बात इधर उधर के करते हैं। केंद्र सरकार ने क्या किया, इसने क्या किया, 30,000 करोड़ में क्या दिया। 30,000 करोड़ रुपया उन्होंने कोरोना के लिए नहीं मांगा था जी। कोरोना के लिए केंद्र सरकार ने क्या क्या मदद की, उसमें कांग्रेस अलग से बहस कर ले जी, जिनको करना है। मैंने ईमानदारी से कहा है कि देश में मदद मिलती है, मदद देनी भी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोरोना की विशेष परिस्थिति में जी, राज्य सरकार को जी, अजय जी आपकी आवाज कट के, खुला आमंत्रण है, खुला आमंत्रण है कि कांग्रेस के जो लोग करें जी सर, जो लोग बहस करना चाहते हैं कर ले, जहाँ पे करना है जब करना है जी जी। लेकिन मैं जो राज्य सरकार के विषय उठाता हूँ उसमें तो उत्तर दें, इधर उधर की बात करने के बजाय जी जी। अजय चंद्राकर जी, विपक्ष की भी एक भूमिका बनती है, जिम्मेदार विपक्ष है बीजेपी छत्तीसगढ़ में। आप विपक्ष का क्या स्टैंड है, जो अव्यवस्थाएं हैं क्वारंटीन सेंटर में, जो भी प्रदेश में अव्यवस्थाएं चल रही हैं, सरकार की नाकामियां हैं, उसके लिए विपक्ष क्या करने वाली है, अब अगला कदम क्या होगा विपक्ष का? आप नोट करते जाइए साहब, सुनाते जाइए कि छत्तीसगढ़ एकमात्र प्रदेश है हिंदुस्तान में जहाँ कोरोना से ज्यादा क्वारंटाइन में मौत हुई है जी। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय को टेस्टिंग के लिए दखल देना पड़ा। छत्तीसगढ़ में आपदा निधि के अतिरिक्त राज्य सरकार ने अपनी निधि से 1 रुपया व्यय नहीं किया है। आपदा निधि में 75% केंद्र सरकार का होता है, 25% राज्य सरकार का होता है। एनआरएचएम या अन्य जो केंद्रीय सरकार की योजनाएं, उसमें भर्ती बंद करके रखी है। और मुख्यमंत्री जी ने अपने हर जगह बयान में कही कि हम कोरोना योद्धाओं को इंसेंटिव देंगे। आज की तारीख में कितना इंसेंटिव दिया है, कब से दिया है, मार्च से दिया है, फरवरी से, अप्रैल से, बताएं तो कुछ। तो वो बात दिल्ली की करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली के मामले में खुली बहस कर लो, जिस दिन जब जहां करना है जी। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं ये बताने के बजाय इधर उधर की बात मत करो। ठीक, मैंने हर बार पॉइंटेड बात कही, उसका उत्तर नहीं देते जी। अजय चंद्राकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो अजय चंद्राकर जी थे, जिनका कहना है कि सवाल पूछे जाते हैं राज्य सरकार से, लेकिन राज्य सरकार के पास इसका जवाब नहीं है।
तो फिलहाल इस पर चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी का, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, और अमित श्रीवास्तव कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज पर। जी अमित श्रीवास्तव जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। अजय चंद्राकर जी ने कई सारे सवाल पूछे हैं, राज्य सरकार से चुनौतियां भी दी हैं, खुली चैलेंज दिया है कि आइए बहस कर लीजिए केंद्र सरकार ने जो मदद की है, लेकिन उनका ये भी सवाल है कि जो सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब नहीं आता है। देखिए अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ विधायक हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर सत्ता जाने के बाद बीजेपी के नेताओं का वक्तव्य आ रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता वो भी सब देख रही है। और जिस प्रकार से सीएसआर का पैसा पीएम केयर प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में यहाँ के सांसद लोग ने दिया है, तब इनको छत्तीसगढ़ की याद नहीं आई? छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा देते हैं, तब इनको छत्तीसगढ़ की जनता की याद नहीं आती, यहाँ के जनमानस की याद नहीं आती? और बाद में ये प्रश्न करते हैं, ज्यादा बेहतर होता कि अजय चंद्राकर अपने सांसदों से प्रश्न करते कि ये प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जो पैसा दिए हैं वो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में क्यों नहीं दिए? और सीएसआर का पैसा हजारों करोड़ रुपए जो पीएम केयर्स में जो दिए हैं यहाँ का पैसा, चाहे वो एसईसीएल का हो चाहे वो एनएमडीसी का हो, सारे लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के मदद की है। तो ज्यादा बेहतर ये होता कि वो हमसे प्रश्न पूछने के अलावा अगर वो अपने सांसदों से प्रश्न करते, अपने नेताओं से प्रश्न करते, तो ज्यादा बेहतर होता। और आपने देखा है कि जिस प्रकार केंद्र की एजेंसियां यहाँ के मुख्यमंत्री जी की और इस सरकार की जो तारीफें कर रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता उससे बेचैन हो चुके हैं, उनमें घबराहट आ गई है। लेकिन ये तो आप कहना ये चाहते हैं कि बीजेपी जो सवाल करती है, अजय चंद्राकर जी ने जो सवाल किए हैं वो निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है क्या इनके सवालों का? सुमित जी मैं वही चीज आपसे कह रहा हूँ कि ये जिस प्रकार संघी व्यवस्था की बात कर रहे थे, अरे संघी व्यवस्था में तो इनका विश्वास ही नहीं है, संविधान में इनका विश्वास नहीं है, और जिस प्रकार ये लोकतंत्र को पूरे देश में तार तार कर रहे हैं वो भी देश की जनता देख रही है। और जिस प्रकार आप देखिए कि अब आप देख लीजिए राजस्थान का जो एपिसोड चल रहा है या उसके पहले मध्य प्रदेश, तो ये इनको तो इस पर कहने का नैतिकता अधिकार भी नहीं है। बिल्कुल संजय जी, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे आप अमित जी को? देखिए सुमित जी, कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि राहुल गांधी जी का बयान आता है, और लोग समझ नहीं पाते हैं, देश गुमराह हो जाता है कि आखिर वो कह क्या रहे हैं, समझे क्या। लगभग उसी भाषा में कांग्रेस के प्रवक्ता ने जवाब दिया है। देखिए स्पष्ट रूप से बात है कि यदि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ में यदि प्रतिप्रश्न होता है विपक्ष से, तो सरकार को संवेदनशीलता के साथ में जवाब देने की आवश्यकता है। यदि जब जब सवाल उठेंगे और सवाल का जवाब ये कहेंगे कि केंद्र ने क्या किया, तो मुझे लगता है ये शायद उचित नहीं है। केंद्र का जब विषय हो तो केंद्र के विषय पर बातचीत हो, केंद्र पर आप सवाल खड़ा करें, केंद्रीय जो मंत्री है या केंद्रीय जो नेता है या सांसद उस पर जवाब दें। लेकिन जब जब पूर्व मंत्री या विधायक जो कि विधानसभा के सदस्य हैं या फिर विपक्ष के तौर पर यदि बीजेपी यदि उस पर सवाल खड़ा करती है, आज पूछती है कोरोना संक्रमण के समय में कि क्या स्थिति है, क्या आपने किया है, तो मुझे लगता है कि संवेदनशीलता के साथ में उन सब चीजों का जवाब देना चाहिए। केवल हम गुमराह करेंगे तो शायद ये ठीक नहीं है। और ये वास्तव में सत्यता है कि खुली चुनौती है कि आप बताएं कि आखिर आपने क्या किया है। आपको सब चीजों को बताना चाहिए, सामने रखना चाहिए कि वास्तव में राज्य सरकार ने किस फंड में सवाल। अमित जी यही है कि जब राज्य के विषय में सवाल पूछे जाते हैं सरकार से तो वो दिल्ली की बात करती है। अमित जी छोटा सा रिएक्शन, अमित जी हाँ सुमित जी बताएं जी, छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। कुल मिलाकर सवाल यही है कि जब राज्य के विषय में सवाल पूछे जाते हैं तो केंद्र की बातें करती है कांग्रेस कि केंद्र ने ये नहीं किया, केंद्र ने वो नहीं किया। देखिए हिंदुस्तान में कहावत है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब आदमी विचलित होता है, जब आदमी के पास में जवाब नहीं होता है, वो दूसरी तरह की बातें करता है, दूसरे विषयों की तरफ मुड़ता है। लगभग वही स्थिति राज्य सरकार की, राज्य सरकार किसी भी विषय पर जवाब देना नहीं चाहती, और कोरोना संक्रमण के नाम पर तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और असफल हो चुकी है। आज तक प्रवासी श्रमिक मजदूरों के खाते में एक रुपए भी, ये चुनौती है, उसको घोषित कर दें, बता दें, जारी कर दें। 21 दिन में कोरोना को खत्म करने वाले लोग आज 10 लाख से ज्यादा पेशेंट हो गए, उस पे ये चुप क्यों है? कि सरकार में रह के विपक्षी भूमिका नहीं करते, क्यों नहीं जवाब देते सुमित जी? के साथ में जवाब देने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आपका बहुत शुक्रिया। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो अजय चंद्राकर लगातार इस सरकार पर हमलावर हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, खुला चैलेंज भी दे रहे हैं बहस का कि केंद्र ने जो मदद की है उस पर बहस करने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है, कई सारे सवाल भी किए, और उनका ये भी कहना है कि जब सवाल किए जाते हैं तो जवाब वापस नहीं आता है, बस केंद्र पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है।